नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। गार्गी ने पूछा याज्ञवल्क्य को, कोवा कृपण कंजूस धरती पर कौन है? बोले जो छोटी छोटी चीजों को पकड़ रखते हैं और बड़ी चीज का तरफ ख्याल नहीं है, वे अभागे कंजूस आत्मघाती ऐसे ही मर जाते हैं। उदार कौन है? छोटी छोटी चीजों का सदुपयोग करके बड़ी चीज को पाने में बड़ा दिल रखता है, वो उदार है। बड़ी चीज क्या है? अपना आत्मा। आत्मा से बड़ा कोई नहीं है, भगवान भी आत्मा से बड़ा नहीं है। लो, आत्मा होती तब भगवान के भगवानपना सिद्ध होता है। वह भगवान है, वो भी आपकी आत्मसत्ता से, और आ गया भगवान, यह भगवान है, उसको भी आत्मसत्ता से सिद्धि मिलती है, और वो भगवान आके चला जाएगा फिर भी ये रहता है, और वो भगवान का आत्मा और आपका आत्मा अलग नहीं हो सकता। आपकी आत्मा को भगवान भी नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान जैसे घड़े के, घड़े को तो तुम मार सकते, घड़े को कोई भी मार सकता है, लेकिन घड़े के आकाश को महाकाश इतना बड़ा है तो भी नहीं मार सकता, क्योंकि घड़े का आकाश महाकाश से अभिन्न है। ऐसे आत्मा परमात्मा से अभिन्न है, तो आत्मा कितना बड़ा हुआ? तो जो बड़े में बड़े को पाने के लिए छोटे में आसक्ति नहीं करता, ममता नहीं करता, अहंता नहीं करता, वो उदार है। और जो छोटी छोटी चीजों में, जो सिगरेट नहीं छोड़ सकता, पान मसाला नहीं छोड़ सकता, जरा जरा अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ सकता, वो कृपण है, उसी में बंधा है। आप बच्चे थे, खिलौने उस समय शोभा देते थे, लेकिन खिलौने छोड़े तब बड़े हुए। अगर खिलौने पकड़ रहते, स्कूल में भी जाते, अभी भी खिलौने लेके आते, तो क्या हाल होता? कृपण। जो खिलौने से आप हम खेल रहे थे, गुड्डे गुड़ियां खिलौने, वो पकड़ रखते, छोड़ते नहीं, तो कृपण। ऐसे ही ये संसार की चीजें, उपलब्धियां, बेटा बेटी, मेरा तेरा, ये सब खिलौने हैं। ये खिलौनों का थोड़ा समय तक उपयोग किया, वास्तव में अपने अंतरात्मा परमात्मा विभू में आना चाहिए। वो ही गुरु है, गुरु माना बड़ा है। लघु इंद्रियां लघु है, विकार लघु है, व्यवहार लघु है, ये बदलता रहता है, लेकिन इसकी बदलाव के बाद भी जो रहता है वो गुरु है। जैसे बचपन बदल गया, बचपन के खिलौने बदल गए, बचपन में भी गुस्सा आता था, बचपन में भी भय लगता था, बचपन में भी मैं जीत गया, मैं हार गया, मैं न पास हो गया, ये सब होता था, लेकिन ये सब बीत गया, लघु है। लेकिन उसको जानने वाला तुम्हारा आत्मा गुरु है, बड़ा है। तो जो बड़े में पहुंचता है वो तो है उदार, और जो लघु में उलझा रहता है वो है कृपण, वो है कृपण, मूर्ख। तो भगवान बोलते हैं, मेरे से तुम क्या पूछते हो? भगवान आप बताओ, कृपण तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि जो छोटी छोटी चीजों में उलझा है और बड़ी आत्मा को भूलता है, वो कृपण है। आप कृष्ण, आप बताओ। तो कृष्ण कहते हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त दुख पड़ा, लेकिन लघु आश्रय नहीं लेता, झूठ बोलने का आश्रय, धोखाधड़ी का आश्रय, पाप का आश्रय नहीं लेता। दुख में भी मुझे पुकारता है, वो कृपण नहीं है, उदार है। क्योंकि मुझ बड़े चैतन्य कृष्ण को कृष्ण माना, बाहर से भले इतना दिखता हूं, मैं सर्वव्यापक हूं। तो जो आर्त है वो मुझे पुकारता है, वो उदार है। जो अर्थार्थी है, रुपया पैसा तो चाहता है, लेकिन धोखाधड़ी बेईमानी कपट से नहीं, मेरी कृपा से चाहता है, वो भी उदार है। और जो मुझे जानना चाहता है,
वो संसार की सारी चीजों को इतना महत्व नहीं देता जितना मेरे को जानने में महत्व देता है, वो भी उदार है। और ज्ञानी बोले, ज्ञानी और हम दिखते दो हैं लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलू अथवा एक ही चीज के दो नाम। जैसे दो सरोवर है और ऊपर की पहाड़ टूट गई तो कौन से सरोवर का कौन सा पानी, अथवा तो हॉल में दो दिए जल रहे हैं अब कौन से दिए का कौन सा प्रकाश। ऐसे ज्ञानी का आत्मा और मेरा आत्मा एक ही है। हम आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी च भरतर्षभ, प्रियो हि मे ज्ञानिनो, प्रियो हि मे ज्ञानिनो इत्यर्थ। अब रामायण के तुलसीदास जी से पूछो, बाबा आप क्या कहते हैं। बोले राम भगत जग चार प्रकारा, राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति नो चारौ अनग उदारा, सुकृति नो चारौ अनग उदारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा, ज्ञानी प्रभई विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रभई विशेष प्यारा, राम भगत जग चार प्रकारा, राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति नो चारौ अनग उदारा, सुकृति नो चारौ अनग उदारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा, ज्ञानी प्रभई विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रभई विशेष प्यारा। भगवान के भक्त चार प्रकार के हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। और ज्ञानी भगवान को विशेष प्रिय है। भगवान अपनी बात तो टाल देंगे, ज्ञानी की बात रख लेंगे। तो ज्ञानी कैसे भक्त हैं, बनते हैं? जिनको परा भक्ति मिलती है वो ज्ञानी बन जाते हैं। मद भक्ति लभते परा। तो ये चार सोपान, एक तो होता है वैदिक भक्ति, वैदिक परंपरा, कुल परंपरा से बच्चे में संस्कार पड़ गया। सिंधी का बालक है, आयो लाल झूले लाल, झूले लाल आयो लाल, लाल ऐसा आ जा ये करके। और गुजराती होगा तो अंबाजी गल वो घूमे छे, मारवाड़ी होगा सांझ पड़ो दिने आत्म्यो देवी मगरे वासोली दो हे, मगरा माते मंदल हे, मंदल खनरो लागे जी। मुसलमान का होगा तो अल्लाह हो यासिन अल्लाह इल्लाह। तो अपने कुल परंपरा के अनुसार जो भक्ति भाव है, शुरुआती भक्ति, तो हिंदू लोगों में उस भक्ति को बोलते वैदिक भक्ति। उस भक्ति को करते करते धीरे धीरे पुण्य और सूझबूझ सात्विक होगी तो भगवान में, इष्ट देव में, मंत्र में, गुरु में प्रीति होगी, उसको बोलते अनुरागा भक्ति। और फिर भगवान के गुण में ऐसी प्रीति हो जाएगी कि जो कुछ अच्छा हो बोले भगवान की कृपा है, अगर गड़बड़ हुई तो बोले भगवान हमारे कष्ट दुख मिटाने के लिए होता है। वाह, तो सारा भगवान को यश देगा, वो गौणी भक्ति हो जाएगी। तो वैदिक भक्ति, अनुरागा भक्ति, गौणी भक्ति, और फिर चौथी होती है पराभक्ति, मद भक्ति लभते पराम, परम भक्ति। तो परम भक्ति वही ज्ञानी का अंतःकरण बाधित हो जाएगा। ज्ञानी का जहां मूल तत्व भगवान का है वही ज्ञानी का हो जाता है। जैसे घड़े का आकाश और मठ का आकाश, अभी घड़ा शुद्र है, मठ बड़ा है,
लेकिन घड़ा अपना घड़ापन छोड़ देता है, मठ अपना मठपना छोड़ देता है, तो दोनों एक है। यशोदा एक साधारण महिला दिखती है और भगवान चतुर्भुजी नारायण कृष्ण समर्थ भगवान दिखते हैं, लेकिन कृष्ण और यशोदा की प्रीति में कृष्ण अपना कृष्णपना भूल जाते हैं, यशोदा अपना यशोदापन भूल जाती और दोनों का हृदय अंतःकरण एक हो जाता है। कन्हैया ने यशोदा का चुट्टा पकड़ा, नन्हे कन्हैया ने ठोड़ी पकड़ी, ऊंचे हुए यशोदा को बोलते हैं माँ तुम मेरी हो ने, माँ बोलते हूँ, कन्हैया बोलता हूँ हाँ हाँ, माँ बोलती ना ना, फिर दाहे कान के तरफ गए, भैया तुम मेरी हो, बोले नहीं मैं तो दाऊ की हूँ, मेरी हो बोले फिर बाएं कान के तरफ आए, फिर दाएं के तरफ आए, ऐसे करते करते कन्हैया को क्या सूझी, अच्छी तरह से चोटी पकड़े, ठोड़ी पकड़े, ठीक से ऊंचे हुए और जोर से मारी फूंक। अब तो भाई यशोदा का यशोदापन भूल गया, अरे इतना कन्हैया तो ऐसा हृदय से लगा दिया। तो दिखते तो दो हैं, लेकिन दोनों के अंतःकरण में आनंद वही छलकता है। तो भगवान का सत स्वभाव है, चेतन स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, सच्चिदानंद है भगवान। सत सत माना जो सदा रहे, चित्त माना जो बुद्धि को ज्ञान का प्रकाश दे, और आनंद जिसके आगे दुनिया के सारे सुख फीके पड़ जाए, स्वर्ग का सुख भी फीका पड़ जाए। तो भगवान सत्य है ये तो समझ में आ जाता है, क्योंकि शरीर नहीं था तब भी आत्मा परमात्मा थे, सृष्टि नहीं थी तब भी आत्मा परमात्मा थे, और अब भी शरीर हुआ तभी भी आत्मा परमात्मा है, और मर जाने के बाद भी रहते हैं। तो जो तीनों काल में रहे उसे सत्य कहते हैं। जो सत्य होता है उसमें चेतना भी होती है, चेतन को ही पता चलता है। तो सत अत्यंत सूक्ष्म होता है, सबसे छोटे में छोटा ब्रह्मांड में खोजो, सबसे छोटे में छोटा क्या चीज है, बोले बैक्टीरिया, नहीं बैक्टीरिया से भी छोटा क्या है, जो बैक्टीरिया के अंदर रहता है वो बैक्टीरिया से भी छोटा हुआ ना, वो बैक्टीरिया से अंदर कौन रहता है, चेतन रहता है ना, और बैक्टीरिया को भी अकल है, सजातीय विजातीय का टोला होता है, क्या खाना क्या नहीं खाना, किधर बढ़ना और किधर से भागना, ये अकल भी होती है। दुनिया के सारे राष्ट्रपति, सारे प्रधानमंत्री और सारे बापू जैसे प्रसिद्ध हस्तियां जो भी हो, मच्छर के आगे हार जाते हैं। हेलो, हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि मच्छर भूमू कर रहा, फोन रख दिया, मच्छर कान के आगे गाना गा रहा है। मच्छर भाग गया, राष्ट्रपति है तो अपनी कुर्सी पे जा, प्रधानमंत्री तो ही देख, बापू है तभी भी देख लो, राम राम बापू जी। एक नन्ना सा मच्छर दसों बार पकड़े तो नौ बार तो उसकी जीत होगी, दसवीं बार आए ना आए हो उसकी बात है, क्या ख्याल है। तो मच्छर में चेतना है और ज्ञान समझ है, ये मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे, मच्छर कितना और उसकी खोपड़ी कितनी, उसमें ज्ञान कैसा, मेरी दाढ़ी पे कभी नहीं बैठता, बोरिंग कहाँ होगा उसको पता है, कहाँ से भाग जाना और कहाँ सेट हो जाना और कहाँ से खिसक जाना वो जानता है। तो मच्छर में भी भगवान की सत्यता है, मच्छर की बॉडी टूट जाएगी मर जाएगा, लेकिन उसका सूक्ष्म व्यापक चैतन्य ज्यों का त्यों रहेगा, घड़ा टूट जाएगा आकाश ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसे ही आपके हमारे सारे शरीर मर जाते मिट जाते फिर भी चैतन्य ज्यों का त्यों रहता है। तो उस चैतन्य ज्यों का त्यों रहता है वास्तव में वही हम हैं, आप हैं। इस ज्ञान को धारण करके वे साधना करे तो उदार है, लेकिन शूद्र शरीर को ही मैं मानता है। शरीर छोटा बोले मैं छोटा हूँ, शरीर बड़ा हुआ बोले मैं बड़ा हूँ, चमड़ा काला हुआ बोले मैं काला हो गया, चमड़ा गोरा हुआ बोले मैं गोरा हो गया। अरे तो
कृष्ण की भाषा में गाली है, तू विमूढ़ है, वीआईपी कोटा का मूर्ख है। कृष्ण बोलते हैं विमूढ़ानानुपश्यन्ति, विमूढ़ लोक मुझ चैतन्य आत्मा को नहीं जानते, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान की आंख से मुझे जानते हैं। तो शूद्र कौन है, छोटा कौन है, जो छोटे छोटे मरने मिटने वाले शरीर को, इंद्रियों को, विकारों को सत्य मानता है, लेकिन ये सब बदलते हैं और फिर भी जो नहीं बदलता उस व्यापक सच्चिदानंद को पराया मानता है, वो सब के सब कृपण है, मूर्ख है, विमूढ़ है। उनको 108 गालियां दिया श्री कृष्ण ने, गिन के गीता में 108 गालियां। नरा अधमा, मनुष्यों में अधम है। असुरम भावम आश्रिता, वो असुर भाव का आश्रय लेते हैं। असुर किसको बोलते हैं, जो स्वार्थ के बिना कोई काम नहीं करता उसको असुर बोलते हैं। तो शरीर संबंधी स्वार्थ, मन संबंधी स्वार्थ में जो भटकते हैं वे सब असुर हैं। लेकिन परमात्मा को जानने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वह भगवान के भक्त हैं, और वह चारों उदार हैं। उदार कैसे हैं, भगवान से दुख मिटाना चाहता है, लेकिन शरण तो भगवान के लेता है ना, दुख मिटने के बाद भगवान के प्रति प्रीति हो जाएगी, तो भगवान में प्रीति होने से भगवान के गुण धर्म और अपने गुण धर्म का धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा। अर्थार्थी है, कुछ पाना चाहता है, पाना चाहता है लेकिन भगवान से पाना चाहता है, तो संबंध उससे जुड़ा। भगवान को जानने के लिए भी भगवान के प्यारे संतों और भगवान से संबंध रखता है। तो उदारा एवे सर्वे, आर्तो अर्थार्थी और जिज्ञासु चाहे ज्ञानी हो, सब उदार हैं, और जो उनसे रहित है वे सब कृपण है, कृपण कंजूस, मिला तो छूटे नहीं। जैसे सकड़े बर्तन में, सकड़ा बर्तन गाड़ के जमीन में डाल दिया, फिर बंदर ऊपर हैं वो देख रहे हैं क्या होता है, बंदर तो जरा नजर रखते हैं कौन क्या करता है, इधर से इधर उधर से बड़ा बारीकी से देखते हैं। सकड़े मुंह के बर्तन में डाल देते हैं, मूंगफली के फोफे हों, गुड़ के ढेले हों और कुछ ऐसी खाने की चीज ठोस हो, तो बंदर वो आदमी शिकारी छुप जाता है, बंदर अंदर हाथ डालता है और वो चीजें पकड़ता है, पकड़ता है तो मुट्ठी फंस जाती है, अब फंस जाती है तो पैर छटपटाता है, हाथ छटपटाता है, पूंछ हिलाता है, चिल्लाता है, चीखता है, सब कुछ करता है, सिंगल भी कर देता है, डबल भी कर देता है, लेकिन मुट्ठी नहीं खोलता। तो शिकारी आता है, उसके गले में फंदा बांधता है पट्टा, और जोर से उस हाथ पर डंडा मारता है तो मुट्ठी खुल जाती, मुट्ठी तो खुल जाती लेकिन बंद जाता है सदा के लिए, दर दर पे सलाम मारो, पैर छुओ बाबूजी के, उम्मदारी का गुलाम बन जाता है। ऐसे जो संसार की बातों को, संसार के सत्यता को पकड़ रखते हैं, तो मृत्यु रूपी मदारी डंडा मार के संसार तो छुड़ा देता है, लेकिन 84 लाख जन्मों में सलामी मारते रहो, बैल पिता बना, माता गाय बनी, सुअर पिता बना, घोड़ा पिता बना, गधा के पिता बना, उनके आगे पूंछ हिलाते रहो, न जाने कितने वो बंदर तो 1000-2000 लाख 1-1.5 लाख व्यक्ति के आगे मदारी के कहने से सिर झुकाएगा, लेकिन ये जीवात्मा तो 84 लाख जन्मों में जिस जिस के शरीर से जन्मेगा, वहां कौआ है तो कौवी के आगे मी करेगा, उसका जूठा चाटेगा खाएगा, कुत्ता है तो कुतिया के आगे उसकी वमन खाएगा, अब कभी तो मनुष्य था, अब 2 पैसे की कुतिया के आगे लालाई तो रहा है कि कब आएगी। दादा दादी थे, उनको पोता पोती के प्रति इतना प्यार कि मरने के बाद फिर उन्हीं के घर में कुत्ता कुत्ती हुए। अब कहाँ तो मनुष्य, सेठ जी सिठानी, और वहाँ अभी आसक्ति हुई पोता पोती की,
प्रीति छोड़ नहीं सके, तो ईश्वर के सिवाय कहीं भी प्रीति तुमने अटकाई तो आप बन गए कृपण। और सब में व्यवहार करते हुए भी प्रीति आपने ईश्वर में लगाई तो आप हो गए उदार। अब कृपण बनना है तो आपकी मर्जी, उदार बनना है तो आपकी मर्जी। तो ईश्वर में प्रीति करने से खाली उदार कहलाओगे नहीं, आपका व्यवहार भी ऐसा आह्लादित आनंदित होगा। ऋग्वेद और यजुर्वेद चार वेद हैं। ये दो वेद में मन के छह दिव्य लक्षणों का वर्णन आया है। आपके मन में छह दिव्य गुण हैं, अच्छे गुण हैं। एक तो नींद में से उठते ही दूर देश को जाने की सामर्थ्य है। आंख खुली और देखा सूरज उगा है। अब सूरज कितने करोड़ माइल दूर है, सूरज की किरण चलती है एक सेकंड में 186,000 माइल की गति से और अपने पास 8 मिनट में पहुंचती है, लेकिन मन 8 सेकंड भी नहीं लेता। आंख खुली और पहुंच गया दूर, और सूरज है उससे भी आगे मन पहुंच जाता है। चंदा सूरज से भी दूर, तारों से भी मन दूर पहुंच जाता है। तो बहुत दूर भागने की पहुंचने की शक्ति है, क्योंकि मन दूर भागता है और वहां का ज्ञान ले आता है। तो आपका चैतन्य भी ऐसा ही वहां व्याप्त है, तो मन में दूर निकल जाने की एक योग्यता है। उस दूर निकल जाने वाले मन को सुबह उठे के दूर तू तू भागता है, लेकिन जिसकी सत्ता से भागता है वो केवल यहाँ नहीं है, वहाँ भी है। इसलिए वहाँ की खबर भी तू जानता कि सूरज है, ये तारे हैं और इसके आगे आकाश गंगा है, और आकाश गंगा में 400 करोड़ सूरज हैं, 4 अरब सूरज हैं। भले ये नेत्रों की ताकत नहीं, लेकिन मन और बुद्धि से तू मानता है, समझता है। तो 400 करोड़ 4 अरब सूरज में से सबसे छोटा सूरज ये है जो हमारी पृथ्वी का है, लेकिन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। हम यहां बैठे बैठे उसको एक थाल जैसा देखते हैं, क्योंकि दूरी है इसलिए वो छोटा दिखता है। अगर सूरज के यहां खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो एक बिंदु जैसी दिखेगी। पेंसिल से या पेन से एक टिक्का करो, बिंदु करो, अल्प विराम कर दो या पूर्ण विराम का एक टपकी कर लो, इतनी दिखेगी। तो कृपण वह है कि इस पृथ्वी में 2-5 एकड़ जमीन, बोले मेरी इतनी जमीन है, 10-20 अथवा 2-5 या एक आधा मकान है तो ये मेरा मकान है। अरे बुद्धू, तू सूर्य के आगे खड़ा होकर देख तो पृथ्वी एक बिंदु के समान, उसमें 200 राष्ट्र और उसमें से एक भारत, और भारत में दिल्ली, और दिल्ली का फिर काली बदरिया से तुम पूछो, रथ के बिजुरवा तंग है, कहाँ सत्संग है। बदरपुर, बदरपुर याद नहीं रहा, वो आया काली बदरिया, फिर बदरपुर याद हो गया। जयराम जी की बचपन में सुनी हुई बात। तो अब सूर्य के यहां देखो तो पृथ्वी कितनी, और उस पृथ्वी पे 200 राष्ट्र, अब उसमें से एक भारत, और भारत में भी एक दिल्ली का कोना बदरपुर, और बदरपुर में भी मेरा मकान है ना, 4 कमरे हैं, इनके यहाँ तो 2 कमरे हैं छोटे छोटे, इनके यहाँ शादी विवाह हम नहीं करते, मेरा लड़का देखो, मेरी लड़की देखो, मेरा ये देखो। तो छोटी छोटी चीजों को जो महत्व देता है, और बड़ी चीज से जो अनजान है वे सब के सब कृपण है, मूर्ख है, विमूढ़ है, असुर है, विमूढ़ आत्मा है, 108 गालियां लग जाती उनको। तो मैं तो आपको सलाह देता हूं, हाथ जोड़ता हूं, 108 गालियों से तो आज बाहर निकलो। जयराम जी की।